नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्मा। सिलसिला बदलते रिश्तों का में आएगा बड़ा ट्विस्ट। कुणाल नंदिनी की होगी शादी, फिर आएगा शो में लीप। कलर्स के पॉपुलर शो सिलसिला बदलते रिश्तों का में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मौली को तलाक देने के बाद कुणाल और नंदिनी हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। दोनों शादी के साथ बंधन में बंधने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदिनी और कुणाल की शादी हो रही है। दुल्हन के लिबास में नंदिनी काफी खूबसूरत दिखी। वही दुल्हे राजा बने कुणाल का अंदाज भी निराला था। दोनों की जोड़ी साथ में देखते ही बन रही थी। लग रहा था मानो ये जोड़ी भगवान ने ही बनाई हो। इतना ही नहीं, जरा इस तस्वीर को देखिए कैसे कुणाल नंदिनी की मांग भर रहा है। दरअसल शो में करवा चौथ के दिन मौली की झूठी प्रेगनेंसी का कुणाल को पता चल गया। इसके बाद कुणाल ने मौली को तलाक दे दिया। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कुणाल नंदिनी के पास वापस चला जाएगा। वो नंदिनी का करवा चौथ का व्रत तोड़ेगा। कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। खबरों की माने तो कुणाल और नंदिनी की शादी के कुछ दिन बाद ही नंदिनी की मौत हो जाएगी और इसके बाद शो में लीप आएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लीप के बाद शो में नए किरदार किंशुक महाजन की एंट्री होगी। वो मौली की जिंदगी में दस्तक देंगे। दोनों नंदिनी और मौली बेटी को जन्म देंगे। इसके बाद शो में क्या नया मोड़ आता है ये देखना मजेदार होगा। बता दें, दृष्टि ने इंस्टा पर अपने शो छोड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर टीम और को स्टार्स का शुक्रिया अदा किया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड शो सिलसिला बदलते रिश्तों का टीवी के विवादित शो में से एक है। स्टोरी के कंटेंट पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में कुछ समय पहले सीरियल के बंद होने की चर्चा भी थी। हालांकि लीड एक्ट्रेस ने ऐसी किसी भी जानकारी के ना होने की बात कही थी। बता दें, सिलसिला जब से ऑन एयर हुआ है दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। लीड रोल में दृष्टि धामी, शक्ति अरोड़ा और अदिति शर्मा निभा रहे हैं। मार्क रेटिंग में भी इस शो का अच्छा बोलबाला रहता है। लेकिन अब जब अचानक से शादी के बाद नंदिनी की मौत हो जाएगी तो यकीनन इस खबर को सुनने के बाद इस शो के फैंस का दिल टूट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।